पीएम ने 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई जो आंध्र प्रदेश को तेलंगाना से जोड़ेगी। सिकंदराबाद विशाखापट्टनम की दूरी सिर्फ 8 घंटे में तय करेगी। मिस यूनिवर्स बनी यूएसए की ग्रेबियल, भारत के हरनाज ने पहनाया ताज। भारत जोड़ो यात्रा में सांसद का निधन, चलते चलते आया हार्ट अटैक। बलिया की बेटी से प्रयागराज में लव जिहाद, हिंदू बनकर शादी की, भाइयों से रेप करवाया, विरोध किया तो गोली मरवा दी। यूपी पंचायत सहायक की 3,544 भर्तियां, 10वीं पास के लिए सेंट्रल रेलवे मौका मिला है। लखनऊ पीजीआई में नर्सिंग ऑफिसर के 905 पदों पर भर्ती। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती का जन्मदिन है। बसपा प्रमुख के जन्मदिन पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं जन्मदिन के मौके पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती पार्टी कार्यालय में प्रमुख प्रेस वार्ता की और पुस्तक का विमोचन भी किया। इसके साथ ही बसपा प्रमुख ने जन्मदिन पर एक गीत भी रिलीज किया गया है जो कि कैलाश खेर ने गाया है। वहीं बसपा प्रमुख का जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हमकर के इन्हें अपनी पार्टी बीएसपी को पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा से तथा पूरे तन मन धन से वह हर स्तर पर इसे सत्ता में जरूर लाना होगा, तभी फिर इन लोगों को बाबा साहब के दिए गए संविधानिक कानूनों का सही से पूरा लाभ मिल सकता है और तभी ये लोग यहाँ अपने आत्मसम्मान व स्वाभिमान की भी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। और इसके लिए यदि ये लोग पूरे देश में जीवन से जुड़ जाते हैं तथा बाबा साहब का ये सपना साकार कर देते हैं तो उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के जोया कस्बे में मंसूरी पब्लिक स्कूल में स्नातक चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जोया ब्लॉक क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर बरेली मुरादाबाद खंड के शिक्षक विधायक मौजूद रहे, जबकि बैठक का संचालन भाजपा के वरिष्ठ नेता ने किया। बैठक थी स्नातक चुनाव को लेकर जिसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय हरि सिंह ढिल्लो शिष्य विधायक जी और हमारे जिला संयोजक चौधरी भूप सिंह जी तथा विधानसभा और आपके जोया ब्लॉक के समस्त पदाधिकारी और जिम्मेदार साथी इस बैठक में मौजूद रहे। आज जो गुरु मंत्र हमारे गुरु जी श्री हरि सिंह ढिल्लो जी द्वारा दिया गया है पूरे कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को और जिम्मेदार साथियों को, उसका लक्ष्य एक ही है। औरैया के बाबरपुर अजीत मल क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ऋचा राजपूत अपने गांव पहुंची, जहां उन्होंने अपनी क्षेत्रीय जनता से मुलाकात की और बताया कि कुछ दिन पहले जो बीजेपी और सपा को लेकर सोशल मीडिया पर जो विवाद चल रहा था वो लड़ाई मेरी व्यक्तिगत लड़ाई थी। हर महिला को अपने सम्मान में आवाज उठानी चाहिए, यह मेरी व्यक्तिगत लड़ाई थी, व्यक्तिगत स्तर पर खत्म हो चुकी है। इस तरीके की भाषा सिखाती है ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई थी जो मुझे लगता है हर महिला को, चाहे वो गांव में रहने वाली हो, चाहे वो शहर में रहने वाली हो, चाहे वो भारत के बाहर रहने वाली हो, उसको अपने सम्मान में इसी तरीके से आवाज उठानी चाहिए। व्यक्तिगत लड़ाई थी, व्यक्तिगत स्तर पर खत्म हो चुकी है और मुझे लगता है सारे लोगों को भी इस चीज को समझना चाहिए कि अगर किसी को अपनी गलती का एहसास है तो लोकतांत्रिक भाषा का इस्तेमाल वो भी करेंगे और हम भी करेंगे। क्या लगता है समाजवादी पार्टी के डिंपल के खिलाफ आपका जो एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था तो क्या ऐसी मतलब? देखिए डिंपल जी समाजवादी पार्टी की एक बहुत बड़ी मजबूत नेता है और मैं व्यक्तिगत रूप से उनका बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन जब बात नारी सम्मान की आती है तो फिर पार्टी से बढ़कर सम्मान।
बांदा में पति के साथ ससुराल जा रही महिला ने 3 शराबियों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है। वहीं दुष्कर्म का विरोध करने पर शराबियों ने महिला के गुप्तांग में शराब की बोतल डाल दी। पीड़िता ने बताया कि घटना के वक्त महिला का पति शराब के नशे में था। पीड़ित महिला ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और महिला उसके पति को कोतवाली ले गई। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मामले की जाँच की जा रही है। अधिकारी भी मौके पहुंचे, फील्ड यूनिट को बुलाया गया और कई थानों की फोर्स भी थी। जांच में ये सामने आया कि महिला अपने एक पड़ोसी जो ई रिक्शा चलाता था और एक और उसका दूर का पड़ोसी, दो लोग मोटरसाइकिल साथ अपने ससुराल ओरन जा रही थी। रास्ते में इन लोगों ने दारू पिया, दारू पीने के बाद जो है, जिसमें महिला ने भी दारू पिया, दारू पीने के बाद जो है इन लोगों ने वहाँ पे हंगामा शुरू किया। पब्लिक पहुँच गई, जो दूसरा आदमी था वो मोटरसाइकिल लेके वापस आ गया। फिर मौके पे वहाँ पुलिस बल पहुँचा और इन लोगों को ले आया। जांच पड़ताल में प्रथम दृष्टया मामला छेड़खानी का पाया गया है। रेप जैसी घटना के साक्ष्य अभी तक नहीं मिले हैं, इसमें अभियोग पंजीकृत करके साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। शहर में पुलिस ने चोरी कर पशुओं के अवैध कटान करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। इस दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तार आरोपी के पास से भैंस, सूखी चर्बी समेत भारी मात्रा में भैंसों की खाल बरामद हुई है। आपको बता दें, आरोपी चोरी के पशुओं को काटकर उनका मांस और चर्बी बेचते थे। वहीं गिरफ्तार आरोपी पर 14 आपराधिक मामले दर्ज है। फिलहाल अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।